मॉर्निंग बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का चौथा प्रश्न है ये दसवीं क्लास का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक, धनात्मक यानी पॉजिटिव पूर्णांक यानी नंबर्स जो हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर जो है अगर उसका वर्ग किया जाए, स्क्वायर किया जाए, तो वह किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 किया था वैसा ही है ये बिल्कुल। मैं उसी स्टेप्स, आप इस दोनों क्वेश्चनों को मिलाएंगे तो देखेंगे दोनों के स्टेप बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा फर्क है बस। वहां भी हमने लिया था, मान लो a कोई धनात्मक पूर्णांक है, वहां विषम लिया था, यहां विषम नहीं है। तो मान लो a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b यहां हमें दिख रहा है 3m 3m प्लस 1, तो b है 3 के बराबर। तो यदि a को b से यानी 3 से भाग किया जाए, किसी भी नंबर को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास 3 ही शेष बचेंगे, या 0 या 1 या 2। आप करके देखिए, किसी भी नंबर को 3 से भाग करेंगे तो या आपके पास शेष आएगा 0, या आएगा 1, या आएगा 2, क्योंकि r मतलब शेषफल, रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी, लेकिन यह हमेशा b से, b यानी 3 है यहां, तो 3 से छोटा ही होगा, 3 से छोटा ही होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार जो a है वो बराबर किसके है, बी के ऊ प्लस आर के। यही हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने सिखाया था ना। तो बी है 3, आर है या 0 या 1 या 2। जब आर 0 होगा तो ए बराबर हो जाएगा बी के ऊ प्लस आर, 3 के ऊ प्लस 0। यदि आर 1 है तो ये हो जाएगा 3 के ऊ प्लस 1। यदि आर 2 है तो ये हो जाएगा 3 के ऊ प्लस 2। ठीक है, तो a जो है तीन तरह से लिखा जा सकता है, 3 के ऊ प्लस 0, 3 के ऊ प्लस 1 या 3 के ऊ प्लस 2 के। अब ये प्लस 0 है तो किसी भी नंबर में 0 प्लस करो तो वो खत्म हो जाता है, यानी यहां बच गया 3 के ऊ। हमें चाहिए प्रश्न के हिसाब से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम इसका वर्ग निकालेंगे। अब a का वर्ग यानी इन तीनों का वर्ग है ना, a का वर्ग यानी इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। तो देखिए कैसे, a का वर्ग ए स्क्वेयर बराबर 3 के ऊ प्लस 0 का वर्ग यानी 3 के ऊ प्लस 0 का स्क्वेयर। z प्लस 0 मतलब खत्म, बाकी है 3 के ऊ, 3 के ऊ का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर होता है 9, के ऊ का स्क्वेयर होता है के ऊ स्क्वेयर। आगे देखिए, 3 के ऊ प्लस 1 इसका स्क्वेयर, 3 के ऊ प्लस 1 इसका स्क्वेयर। तो यहां जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा a प्लस b होल स्क्वेयर, जो बराबर होता है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। इसी प्रकार से यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका भी फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर 9, क्यू का स्क्वायर स्क्वायर 0 खत्म हो चुका। यहां देखो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर होता है 9, क्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 2ab। यहां 2 गुना 3 गुना 1 हो गया 6, साथ में है क्यू, तो ये बन गया 6 क्यू। हमारे पास रकम आ गई 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू। इसी प्रकार से यहां देखें, ये है 9, यहां पर इस वाली रकम में देखें 3 का स्क्वायर 9, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुना 3 गुना 2, 2 तिया 6, 6 दुनी 12, साथ में यहां पर है क्यू 12 क्यू। अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से हल करेंगे बच्चों। 9 को मैंने लिखा 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर को लिखा, देखिए 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, ये क्यों लिखा मैं बाद में समझाता हूं। 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, क्यू स्क्वायर साथ में था तो 9 क्यू स्क्वायर बन गया 3 गुना 3 क्यू स्क्वायर प्लस। ऐसे ही यहां पर देखिए क्या होगा, मैंने इस प्लस 1 को यहां बाद में लिख दिया, अलग कर दिया, बाकी बच गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट डाल दी, बाकी बच गया देखिए 9 क्यू स्क्वायर में से 3 कॉमन गया तो बाकी रह गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस
छह में से तीन कॉमन चला गया, छह को तीन से भाग किया, दो साथ में है क्यू, दो क्यू। बाकी ये जो प्लस वन था ये हमने यहां लिख दिया है। इसी तरह से यहां देखिए, ये है नौ क्यू स्क्वायर प्लस चार प्लस बारह क्यू। इसमें से और इसमें से मैंने तीन कॉमन ले लिया, नौ को तीन से भाग किया तीन, साथ में है क्यू स्क्वायर प्लस बारह को तीन से भाग किया चार, साथ में है क्यू, तो क्यू तीन कॉमन ले चुके हैं। ये जो प्लस चार था इसको मैंने लिख दिया तीन प्लस एक, तीन प्लस एक चार ही होता है ना। आगे देखिए बच्चों, आपको जहां से ना समझ आए आप इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा दोबारा देखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब उसके बाद देखिए अगले स्टेप में तीन गुना तीन के उसके रिस्क को ऐसे ही उतार दिया, इस रकम को भी ऐसे ही उतार दिया, तीन इंटू तीन के उसके प्लस दो के प्लस वन। यहां क्या हुआ, ये जो तीन था इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ले आया, ठीक है, लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर ले आया तो इसमें से भी तीन कॉमन ले लिया, तो यहां सॉरी ये आएगा वन, यानी कि इस तीन में से भी वन तीन कॉमन ले लिया, बाकी बच गया वन, तो ये आ गया तीन के स्क्वायर प्लस चार के ऊ प्लस इसमें से वन कॉमन, बाकी प्लस वन बच गया उसके साथ ही उतार दिया। अब यदि जो ब्रैकेट्स के अंदर है, ध्यान से देखना मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, ये जो ब्रैकेट है या ये जो ब्रैकेट है या ये जो ब्रैकेट है, ये कोई भी पूर्णांक अलग अलग m हो सकते हैं, m की कोई भी वैल्यू मान ले हो सकती है, ब्रैकेट वाली टर्म को m माना, सिंपल से शब्दों की बात यह है, ब्रैकेट वाले पदों को यदि m ले लें, यह आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है रेड पेन से मैंने, ब्रैकेट वाली रकमों को यदि m ले लें तो क्या बना, यहां तीन ब्रैकेट की जगह m, यहां पर तीन ब्रैकेट की जगह m साथ में है प्लस वन, यहां पर तीन ब्रैकेट की जगह m बाकी है प्लस वन, तो ये बन गया तीन एम, तीन एम प्लस वन, तीन एम प्लस वन। यही हमें तो सिद्ध करना था ना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा, a का जो वर्ग होगा वो किसी पूर्णांक m के लिए तीन एम या तीन एम प्लस वन के रूप का होगा, तीन एम या तीन एम प्लस वन के रूप का होगा, अतः सिद्ध हुआ। आप चाहें तो अखीर में पूरी लाइन क्वेश्चन से दोबारा लिख सकते हैं, अतः सिद्ध हुआ कि यहां की के बाद किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मैं जानता हूं यह प्रश्न थोड़े से लंबे हैं बच्चों, तो आपने करना क्या है, इनको बार 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 इस वीडियो को बार 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 देखना है। यदि आपको कहीं से ना समझ आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, लेकिन यदि आप इस वीडियो को ही बार बार पीछे कर करके दोबारा दोबारा देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। थैंक यू।